हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आने वाले हैं इलेक्शंस 2019 और इस बार के इलेक्शंस का बल्कि WWE के फाइट ज्यादा लग रहा है। अब इस फाइट में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल आज मैं आपके लिए इलेक्शन से जुड़े हुए बहुत सारे हिंदी शब्दों की अंग्रेजी लेकर आया हूं, जो भाई साहब आपके अंग्रेजी वोकैबुलरी को और भी ज्यादा जहरीला बना देंगे। अब ऐसे इलेक्शन से जुड़े हुए अंग्रेजी के शब्द सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बटन को में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं चुनाव वाली वर्ड मीनिंग्स। अब सबसे पहले हम चुनाव की ही इंग्लिश जान लेते हैं, इसे अंग्रेजी में कहते क्या है। तो भाई, चुनाव की अंग्रेजी में दो मीनिंग्स होती है, एक है इलेक्शंस और दूसरी है पोल। अब ब्रिटिश इंग्लिश में जो कि हम और तुम बोलते हैं, हम इंडियंस बोलते हैं, उसमें इसे कहते हैं इलेक्शंस। और जो अमेरिकन इंग्लिश होती है यानी कि जो अमेरिका वाले झाड़ते हैं, उसमें चुनाव को कहते हैं पोल्स। अब भाई, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है ना, तो नेता लोग भाषण देते हैं, रैलियां निकालते हैं, प्रचार करते हैं और नारेबाजी होती है उनकी रैलियों में सारी। अब भाषण देने को अंग्रेजी में एड्रेस बोलते हैं। भाई, पहली नजर में देख के मैं भी चौंक गया था। भाई, एड्रेस माने तो पता होता है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मुझे ही नहीं पता था कि एड्रेस माने भाषण देना भी होता है। मुझे तो ये लगता था कि स्पीच माने भाषण देना होता होगा, उसके अलावा एड्रेस माने भी भाषण देना ही होता है। जैसे मुझे कहना है सरताज सर भाषण दे रहे थे, तो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे सरताज सर वाज एड्रेसिंग। और दूसरा वर्ड है रैली। और भैया, कमाल की बात यह है, रैली को अंग्रेजी में रैली बोलते हैं। तुम लोग और हम लोग अंग्रेजी बिना बोले भी अंग्रेजों से बेहतरीन अंग्रेजी बोलते हैं। मतलब रैली अंग्रेजी का ही शब्द है, हिंदी और इंग्लिश इसे दोनों में ही रैली बोलते हैं। इसके बाद है प्रचार, जिसे नॉर्मल भाषा में एडवर्टाइजमेंट लेकिन बेहतरीन वाली इंग्लिश में प्रोपोगंडा बोलते हैं। और लास्ट है नारे, जिसे हमने और तुमने स्कूलों में तो जम के लगाए, भारत माता की जय और देश की रक्षा हम करेंगे। नारे लगाने को या खाली नारे को अंग्रेजी में स्लोगन्स बोलते हैं। भाई, इसके बाद रखी जाती है दिन तारीख। अब दिन तारीख का मतलब यह नहीं है कि नेता दूल्हा पूला बन जाएगा, उसकी सगाई पगाई। दिन तारीख का मतलब है कि वो तारीख तय की जाती है जिस दिन मतदान होंगे, जिस दिन वोट डाले जाएंगे। इसके बाद चुनाव आयोग आचार संहिता लागू कर देता है। अब आचार संहिता कोई अचार पचार नहीं है, आम फाम का, ये एक तरीके का कानून होता है। मतलब जिस दिन डेट अनाउंस हुई है इलेक्शंस की, उस दिन से लेकर इलेक्शन वाले दिन तक आचार संहिता लागू होती है। मतलब कोई भी पार्टी अब अपना प्रचार नहीं कर सकती, यानी कि झंडा पंडा चुनाव चिन्ह लेके गली गली में हांडती फिरे और कहते फिरे वोट फॉर मी वोट फॉर मी। भाई, केस हो जाता है अगर आचार संहिता लागू होती है और उस दौरान हम एडवर्टाइजमेंट कर दें। अब भाई, यहां पर चुनाव आयोग को इलेक्शन कमीशन और आचार संहिता को कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो आगे से ध्यान रखना, अभी आचार संहिता चल रही है, किसी भी तरीके का पार्टी वार्टी का एडवर्टाइजमेंट मत करना। अब भाई, वोटिंग वाले दिन लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम लगा के मतदान केंद्रों की तरफ, अपना मतदान करने यानी वोट डालने और अपने मताधिकार का यानी वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करने। अब मतदान केंद्रों को अंग्रेजी में पोलिंग बूथ कहते हैं, मतदान यानी वोट डालने को अंग्रेजी में कास्ट द वोट कहते हैं। जैसे मुझे कहना है मैं अपना वोट डालूंगा या मैं अपना वोट दूंगा, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई विल कास्ट माय वोट। और मताधिकार यानी वोट डालने के अधिकार को अंग्रेजी में राइट टू वोट कहते हैं। तो भैया, आप भी अपने राइट टू वोट का इस्तेमाल करना इस बार। अब भाई, चुनाव के बाद ओरिजिनल नतीजे आने से पहले मीडिया वाले अनुमानित नतीजे घोषित कर देते हैं। अनुमानित नतीजे मतलब आइडिया फाइडिया लगा के सर्वे परवे करके बताने की कोशिश करते किसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और किसकी गठबंधन वाली सरकार बन रही है। अब अनुमानित नतीजों को अंग्रेजी में एग्जिट पोल कहते हैं, जो कि तुम अक्सर रिजल्ट आने से पहले मीडिया पे, खबरों में, अखबारों में देखते रहते होगे। इसके बाद पूर्ण बहुमत वाली सरकार को अंग्रेजी में क्लियर मेजोरिटी बोलते हैं। और जो सरकार जोड़ तोड़ करके, जुगाड़ पुगाड़ करके इधर उधर से सीट पीट लेके गठबंधन वाली सरकार बना देती है ना, तो गठबंधन सरकार को अंग्रेजी में कॉलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो भैया, याद रखना ऐसे अंग्रेजी के वर्ड। अब एंड में जो सरकार चुनाव जीतती है उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है। शपथ मतलब कसमें वादे दिलाए जाते हैं कि मैं देश की रक्षा करूंगा और कोई गलत काम नहीं करूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा। फिर वो सरकार अपने घोषणा पत्र के अनुसार देश के लिए काम करती है। घोषणा पत्र मत, पहले तो इसे संभल के बोलना, जरा जल्दी जल्दी मत बोलना। घोषणा पत्र मतलब एक प्रकार का प्रॉमिस लेटर होता है, जो सरकार चुनावों से पहले वादे करती है, प्रॉमिस करती है कि हम जीत गए तो लैपटॉप बांट देंगे, सनी की सीढ़ियां घर घर बंटवाएंगे, मोहल्ले में फिल्में चलवाएंगे। इसे घोषणा पत्र कहते हैं, वादे कहते हैं।
और जो पार्टी हारती है वो विपक्ष में बैठती है। उसका काम यही होता है कि 4-5 साल तक सरकार पे कीचड़ उछालना। अब शपथ लेने को अंग्रेजी में टेक ओथ बोलते हैं। टेक ओथ मतलब शपथ लेना। जैसे मैं कहूं मैं शपथ ले रहा हूं, आई एम टेकिंग ओथ। इसके अलावा घोषणा पत्र को अंग्रेजी में मैनिफेस्टो कहते हैं और जो विपक्षी दल होता है उसे ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं। तो भैया ये थे राजनीति वाले और चुनाव वाले अंग्रेजी के शब्द। अब भाई इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर बताना कि तुम्हें ये इलेक्शन की वर्ड मीनिंग वाली वीडियो कैसी लगी। और मुझे पता है ऐसे बहुत सारे इलेक्शन वाले वर्ड मीनिंग है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताए और तुम्हारे खुजली करे पड़े कि ये तो बताया नहीं, ये तो छूट गया, इसकी तो इंग्लिश बताई नहीं। डोंट वरी, इसका इंतजाम भी मैंने कर रखा है। अभी जाओ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, एक लिंक मिलेगा, वहां से PDF डाउनलोड कर लेना। उसमें तुम्हारी और जरूरत की जितनी भी वर्ड मीनिंग है ना राजनीति और इलेक्शन से जुड़ी वो वहां पर मिल जाएगी। अब उस लिंक को, उस PDF को और इस वीडियो को मिला करके सारे नेताओं के साथ गली में जितने भी तुम्हारे निगम पार्षद भरे पड़े ना सबको शेयर कर देना। वीडियो को लाइक भी करना।